जय श्री कृष्णा। आज गुरुवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शीश नाग पर बैठे थे और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुँचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी मनवाली कर ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात में बरसात हुई थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी धरती की ऐसी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध होकर धरती को एक तक देखने लगी और चारों दिशाओं देखते हुए भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आँखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुम भूल की हो उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ी हो यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापिस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियाँ थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत का रूप धारण करके माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में
मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च चलता है, लेकिन अगर मेरी तीन की जगह चार बेटियाँ होती तो मैं गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बन जाओ और रूखा सूखा हम खाते हैं उसको खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन के दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बना लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी और अब 2.5 साल बीत गए थे लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया और यह तो मेरी मुँह बोली 4थी बेटी यानी वही औरत है। पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर, हमने अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसे अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की ओर और धन की कमी न रहे, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेशा है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं मैं वहीं निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए।